पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह। अब देखते हैं ये कितना वोल्ट जनरेट करता है। दोस्तों इसने लगभग 8 वोल्ट, इसने 8 वोल्ट जनरेट कर दिया है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों आज हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले तो हम अपने इस मल्टीमीटर को डीसी वोल्ट पर सेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम इस, ये हमारे पास जो डीसी मोटर है इसको हम इस मल्टीमीटर से अटैच कर लेते हैं इस तरह, और इसको हम ट्राई करते हैं हाथ से फिराने से कितना वोल्ट जनरेट होता है। आप देख सकते हैं 0.0 कुछ जनरेट हो रहे हैं ये। इसको हम दोस्तों उसके बाद हम इस छोटी डीसी मोटर से ट्राई करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपने इस डीसी मोटर को एक छोटी डीसी मोटर से अटैच करेंगे इस तरह, और इसमें हम 12 वोल्ट देंगे इस छोटी मोटर में। ये हमारा जो चार्जर है इससे हम इसको सप्लाई देंगे इस तरह, और आप देख सकते हैं ये हमारा जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है। और इसने, इस छोटी मोटर ने हमको वोल्ट दिए हैं, 7 वोल्ट ये जनरेट कर रही है। इससे हमको 7 वोल्ट मिला है। अब उसके बाद हम इसको एक पावरफुल, जो कि बहुत ही पावरफुल मोटर है, उससे अटैच करेंगे, जो कि है BLDC मोटर बोलते हैं इसको। इसको हम इस तरह अटैच करेंगे, बहुत ही तगड़ी मोटर है दोस्तों। इसके RPM बहुत ही ख़तरनाक होते हैं, 13,000-14,000 RPM होते हैं इसके। और तब तक इसको मैं सेट करता हूँ, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप चैनल पर नए हो। तो हम इसको अपनी इस मोटर को सप्लाई दे देते हैं। और ये दोस्तों ये BLDC मोटर 12 वोल्ट पर चलती है, इसको आप 12 वोल्ट से नीचे नहीं चला सकते। उसके बाद दोस्तों हम इसको चालू करके आपको दिखाते हैं, देखते हैं ये कितना वोल्ट जनरेट करती है। दोस्तों बहुत बहुत ही ख़तरनाक RPM है इसका, जो कि आप देख सकते हैं, जो कि फिसल रहा है। इसको हम अच्छे से लगाने की कोशिश करेंगे, हाथ से ये रुक नहीं पा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसको हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसको आपको दिखाएंगे। ओ भाई साहब, ये बहुत ही तेज़ चल रही है। और अब हम इसको अच्छे से पकड़ने की कोशिश करेंगे इस तरह, अब देखते हैं ये कितना वोल्ट जनरेट करता है। दोस्तों इसने लगभग 8 वोल्ट, इसने 8 वोल्ट जनरेट कर दिया है, जो कि उससे, जो छोटी मोटर है उससे 1.5 वोल्ट ज़्यादा है, 1.30 वोल्ट ज़्यादा है उससे।